अस्सलामुअलैकुम। तो जी दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ी नर्सरी में हाजिर हूँ और हमारे साथ हैं काबिल खान फटक। ये आज मुझे बताएंगे कि ये जो सामने साथ में पौधा पड़ा हुआ है, ये किस पॉट में है और इसका क्या नाम है। जी काबिल भाई, इसका नाम बताएं ज़रा आप। सर, ये मनी प्लांट में इसको पान पत्ता बोला जाता है। जी, पान पत्ते में ये इसको ग्रीन पान पत्ता बोला जाता है। सही हो गया। 18 इंच का राड है ये, गमला 18 इंच है। सही हो गया जी। जी, ये मनी प्लांट का भी एक वैरायटी है, इसको वेरिएगेटेड पान पत्ता बोला जाता है। ये गाइस देख लें आप, ये वेरिएगेटेड पान पत्ता है, समझ जाए। ये भी 18 इंच राड है और 18 इंच इसकी गमला है। तो गाइस ये आ गया हमारा, ये सारा वाइट मनी प्लांट है। इसमें 3-4 वैरायटियां वाइट में भी है, लेकिन ये इसको पहाड़ी मनी प्लांट भी बोलता है, वाइट पत्ता भी बोलता है, पहाड़ी पत्ता भी बोलता है। ये भी 18 इंच गमला है, 18 इंच राड है। तो नेक्स्ट वैरायटी जो है, इसका क्या नाम है जी? सर, ये मार्जिनेट है, इसमें इसको बोला जाता है, लेकिन ये बाहर की है, इंपोर्टेड है, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना से इसका बीज आता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इसको लगा लेते हैं जी। और इसको जो गमला है 10 इंच। सही हो गया। अच्छा काबिल भाई, ये सामने जो प्लांट पड़े हुए, इनका क्या नाम है? सर, इसको कांगो भी बोला जाता है इंग्लिश में, इसको फ्लावर ऑफ डंडान भी बोला जाता है जी। और ये असली ब्लैक फ्लावर भी बोला जाता है। सही हो गया। ये 10 इंच में पड़ी है। सही। तो ये जो साथ आपके पीछे पौधे पड़े हुए हैं, इनका क्या नाम है? सुगोनियम बोला जाता है जी। सुगोनियम रेड वाला। सही हो। सुगोनियम, इसमें भी अलग अलग वैरायटी है जी, लेकिन ये सुगोनियम रेड वाला। सही हो गया जी। तो जी दोस्तों, ये नेक्स्ट वैरायटी का नाम बताएंगे काबिल भाई। जी बताएं, इसका क्या नाम है और ये किस पॉट में है? सर, ये इसको 16 इंच भी बोला जाता है, छोटी बोतल भी बोला जाता है। इसका नाम है ड्रैगो। और इसको आम अल्फाज में लोग बोलते हैं ग्रीन ड्रसनिया। सही हो गया। ग्रीन ड्रसनिया, लेकिन इसको ड्रैगो भी बोला जाता है। जी जी, सही हो गया। तो नेक्स्ट ये आ गया जी, ये कौन सा प्लांट है काबिल भाई, इनका बताएं। ब्लैक मार्जिनेट का बोला जाता है जी। ये एक अलग वैरायटी है, ये लोकल है, पाकिस्तानी है, थाईलैंड वाला नहीं है, लेकिन ये लोकल में बहुत अच्छी क्वालिटी है, ब्लैक मार्जिनेट। अच्छा काबिल भाई, ये जो आपने प्लांट पकड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? बहुत खूबसूरत लग रहा है। नाम है क्लोरोपिटम जी। ये भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन आप लोग उसको वैसा ले बोलते हैं, लेकिन ये असली नाम है क्लोरोपिटम। अच्छा काबिल भाई, ये जो आपने प्लांट उठाया हुआ है, इसका क्या नाम है? और ये थाईलैंड से आता है, इसका नाम है लेफ्टेक। ये देख लें गाइस आप, ये लेफ्टेक है, इसको लोग इग्लोरिमा भी बोला जाता है, लेकिन असली नाम है इसका इग्लोरिमा लेफ्टेक। थाईलैंड से आता है, चाइना से आता है। सही। तो गाइज, इनके पास जो भी वैरायटी हैं, वो माशाल्लाह इम्पोर्टेड वैरायटी हैं। मैं आपको नेक्स्ट भी आगे भी दिखाता हूँ, आप देख लें। ये पौधा भी देख लें आप, कितना अच्छा है। तो गाइज, ये नेक्स्ट वैरायटी आपको इसके बारे में बताएंगे काबिल भाई। जी काबिल भाई, सर ये वाइट टिफिन है जी, सही हो गया। ये गाइज ये देख ले, पाकिस्तान में अभी ये प्लांट। अच्छा काबिल भाई, ये नेक्स्ट जो आपने प्लांट पकड़ा है, इसका क्या नाम है? सर, ये भी एक वैरायटी है, लेकिन इसको ब्रोन एग्लोरिमा बोला जाता है। ये भी थाईलैंड से आता है, बेहतरीन वैरायटी है। ये जिस वक्त गर्मी हो जाती है, ये पूरा रेड हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है जी। तो इसका इसकी प्राइस क्या है, अगर मैं लेना चाहूँ तो? माशाल्लाह अभी 1,000 रुपये 12 इंच 10 इंच में चलते हैं। सही हो। तो काबिल भाई, ये जो आपके पास जो चीज पड़ी है, इसका क्या नाम है और इसकी प्राइस क्या है, ये बताएं जरा। इसका पॉट का क्या साइज है? ठीक हो
गाइस ये आपको, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कितने प्यारे पौधे हैं माशाल्लाह। रेट आप बता रहे हो, सही हो गया। ये गाइस देख लें आप, ये कितना कितने प्यारे पौधे हैं। Thank you.